गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 मध्य प्रदेश ड्यूरिंग सल्तनत एंड मुगल पीरियड। सल्तनत व मुगल काल में मध्य प्रदेश। सल्तनत का पहले पढ़ते हैं। आफ्टर 13th सेंचुरी मालवा बिकेम अ पार्ट ऑफ खिलजी एम्पायर एंड लेटर ऑन इट वाज अ स्टेट इन तुगलक एम्पायर। परमारों के बाद मालवा खिलजी साम्राज्य का अंग बना। लेटर ऑन इट वाज अ स्टेट इन तुगलक एम्पायर। इसके बाद यह तुगलक सल्तनतों के साम्राज्य का एक प्रदेश बना रहा। द कैपिटल ऑफ मालवा चेंज विथ एवरी चेंज इट का रूलर। मालवा की राजधानी हर शासक के काल में बदलती रही। मांडू वाज द कैपिटल ऑफ नवाब। नवाबों ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। इन 1305 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज मालवा वाज मेड अ पार्ट ऑफ खिलजी एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सन 1305 में मालवा खिलजी साम्राज्य का अंग बना। बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी इट रिमाइंडेड अंडर द रूल ऑफ तुगलक एम्पायर। 14वीं शताब्दी के अंत तक मालवा पहले खिलजी और इसके बाद तुगलक सल्तनत के साम्राज्य का एक सूबा बना। तुगलक सल्तनत डिसग्रेनेटेड आफ्टर द अटैक ऑफ तैमूर। तैमूर के आक्रमण के उत्पन्न गड़बड़ी की स्थिति में दिल्ली के सुल्तान का साम्राज्य छिन गया। दिलावर खान द देन गवर्नर ऑफ मालवा टुक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड डिक्लेयर्ड मालवा एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। दिलावर खान इसका लाभ उठाकर मालवा के जो तत्कालीन गवर्नर था, है ना, इसका लाभ उठाकर मालवा का तत्कालीन गवर्नर दिलावर खान ने सन 1401 में स्वतंत्रता घोषित कर दी कि मालवा एक इंडिपेंडेंट राज्य है, स्वतंत्र राज्य है। अल्प खान द सन ऑफ दिलावर खान टुक अप द टाइटल ऑफ होशंग शाह। दिलावर खान का पुत्र अल्प खान जिसने होशंग शाह की उपाधि धारण की, ही वाज अ ग्रेट रूलर। वह एक अत्यंत प्रतापी राजा था। ही लेट डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिज ओन टाउन उसने होशंग शाह मकबरे की नींव रखी। होशंग शाह मकबरा इज मांडू। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। इट इज प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। अत्यंत भव्य और दर्शनीय है। इन 1496 मालवा वाज रिकैप्चर बाय मोहम्मद खान खिलजी ऑफ खिलजी डायनेस्टी। सन 1496 में मालवा का राज्य महमूद खान खिलजी ने हथिया लिया और खिलजी वंश के शासक वहाँ साम्राज्य करते रहे। ठीक है ना, खिलजी वंश के शासक वहाँ राज्य करते रहे। इन 1535 किंग बहादुर शाह ऑफ गुजरात एस्टेब्लिश रूल इन मांडू आफ्टर डिफीटिंग खिलजी। 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने मांडू पर आक्रमण किया और वहां पर अधिकार जमा लिया। खिलजी सेकंड मांडू वाज अ ग्रैंड सिटी ड्यूरिंग द रूल ऑफ गौरी एंड खिलजी। इस तरह मालवा की स्वतंत्रता लुप्त हो गई। मांडू पर खिलजी द्वितीय का भी शासन रहा। बहादुर शाह ने मांडू से खिलजी राजवंश का अंत किया। द फोर्ट एंड अदर रुइंस आर रिमाइंडर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। मालवा के जो द फोर्ट एंड अदर रुइंस, किला और
दूसरे राज उसके रिमाइंडर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, इसकी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। किले के भीतर बनी इमारतों के वैभव गाथा सुनाते हैं। आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को हराने के बाद मुगल इम्पायर बाबर कॉन्क्वर्ड ग्वालियर, चंदेरी एंड रायसेन इन मध्य प्रदेश। मुगल बादशाह बाबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंदेरी और रायसेन पर अपना कब्जा जमाया। हुमायूं टुक मंदसौर अंडर हिज कंट्रोल एंड लेटर एनेक्स्ड उज्जैन, धार एंड मांडुआ टू हिज एम्पायर। हुमायूं ने मंदसौर को अपने अधिकार में लिया, इसके बाद उज्जैन, धार और मांडू को अपने राज्य में मिलाया। एट फर्स्ट मालवा बेंड अंडर शेरशाह एंड देन अकबर सरूर। मालवा पर शेरशाह और फिर अकबर का राज रहा। मुगल बिल्ट सेवरल हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन मालवा, मुगलों ने कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग मालवा में बनाए। हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब ऐतिहासिक इमारत। दे टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन मांडू, मांडू पर ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। राजगोंड डायनेस्टी, राजगोंड वंश, ड्यूरिंग मुगल रूल राजगोंड वर वेरी इन्फ्लुएंशियल। मुगल काल में मध्य प्रदेश में राजगोंड काफ़ी प्रभावशाली रहा। गदावास हिज कैपिटल, इसकी राजधानी गढ़ा में थी। गढ़ावास अ सेपरेट हैबिटेट फॉर 4 किलोमीटर्स अबे ग्राम जबलपुर, नाउ इट हैज बिकम अ लोकेलिटी ऑफ सिटी। गढ़ा जबलपुर से 4 मील की दूरी पर स्थित एक अलग बस्ती है, ठीक है। वर्तमान में यह एक मोहल्ला मात्र रह गया है। हिमेड चौरागढ़ हिज फर्स्ट कैपिटल एंड देन शिफ्टेड टू मांडला, द ब्रेवेस्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी वाज राजा संग्राम शाह। उसकी राजधानी पहले चौरागढ़ और फिर मांडला में रही। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा संग्राम सिंह था, संग्राम शाह था। ही कैप्चर्ड 52 फोर्ट्स एंड फोर्ट्रेस, उसने 52 किलों को और गढ़ी को अपने कब्जे में किया, अधिकार में किया। हिज रिलेम एक्सप्रेस सागर, दमोह, जबलपुर, भोपाल एंड सब रीजन ऑफ नर्मदा वैली एंड प्लेन्स ऑफ सतपुरा। सागर, दमोह, जबलपुर, नर्मदा की घाटी और सतपुरा की उच्च समभूमि के कुछ भाग उसके राज्य में शामिल थे। संग्राम शाह इस काल द आर्किटेक्ट ऑफ गोंड एम्पायर, संग्राम शाह को गोंड साम्राज्य का शिल्पी कहा जाता है। द फोर्ट्स ऑफ नरसिंहपुर एंड चौरागढ़ वर बिल्ट बाय हिम। नरसिंहपुर का चौरागढ़ का किला उसी से निर्मित करवाया था, ठीक है ना, उसी ने। संग्राम शाह डाइड इन 1541। संग्राम शाह की मृत्यु 1541 में हो गई। देन हिज सन दलपत शाह बिकम द रूलर, इसके बाद उसका पुत्र दलपत शाह गद्दी पर बैठा। ही रूल्ड वर्ली फॉर 70 होना चाहिए, ठीक है ना। उसने केवल 7 वर्ष ही राज्य किया। आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ दुर्गावती रूल गोंडवाना वेरी एफिशिएंटली फॉर मेनी ईयर्स। उसकी मृत्यु के उपरांत दलपत शाह की पत्नी कई वर्षों तक वहाँ पर राज्य की। सी वास फ्रॉम चंदेल डायनेस्टी, वह चंदेल वंशी थी। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गोंडवाना अट्रैक्टेड मुगल अटेंशन। वहाँ की समृद्धि मुगलों को अट्रैक्ट की अपनी ओर। इन 1564 एम्परर अकबर ऑर्डर आसफ खान टू
अटैक गोंडवाना। 1564 में आसफ खान ने अकबर ने आसफ खान को गोंडवाने पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। रानी दुर्गावती गेव टफ अपोजिशन टू आसफ खान एंड लेड हर लाइफ ऑन द बैटल फील्ड फाइटिंग टू सेव हर मदरलैंड। रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए आसफ खान को बड़ी टक्कर दी, चुनौती दी और वीरगति को प्राप्त हुई। आफ्टर दैट गोंडवाना बिकम अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। इसके बाद गोंडवाना मुगल साम्राज्य का अंग बना। द रूलर ऑफ गोंड डायनेस्टी हैड ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट स्टेट इन केरला, नाउ जो डिस्ट्रिक्ट है बैतूल में, एंड देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। गोंड वंश के राजाओं ने केरला यानी बैतूल जिला और देवगढ़ यानी छिंदवाड़ा जिला में भी स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे। जयपाल वाज द फाउंडर ऑफ केरला स्टेट। जयपाल केरला राज्य का संस्थापक था। गोंड रूल्ड केरला स्टेट फॉर 2 centuries, 2 शताब्दियों तक, फ्रॉम 12 to 14, 2 शताब्दियों तक, 12वीं से 14वीं शताब्दी तक केरला में गोंडों का शासन रहा। अकबर कॉन्क्वर्ड असीगढ़ फोर्ट एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर निमाड एंड खानदेश। अकबर ने असीगढ़ के किले पर अधिकार कर निमाड़ और खानदेश पर भी कब्जा कर लिया। रूलर ऑफ बुंदेलखंड स्टेट ऑफ सरेंडरिंग टू मुगल रिवोल्ट एंगेज द एम्पायर एंड कॉन्क्वर्ड दियर स्ट्रगल। बुंदेलखंड के राजाओं ने मुगलों के सामने घुटने टेकने के बजाय विद्रोह का बिगुल बजा दिया और कंटिन्यू टू स्ट्रगल और संघर्ष जारी रहा। महाराजा छत्रसाल कंटिन्यूड फाइटिंग अंगेंस्ट मुगल फॉर 25 years। महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ लगभग 25 वर्षों तक संघर्ष किया। ही एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन दिस रीजन। उन्होंने इस क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। महाराज छत्रसाल इज रिमेम्बर टू डेट ऑफ हिज फाइटिंग स्पिरिट। महाराज छत्रसाल अपनी संघर्षशीलता और जुझारू देवरों के लिए आज भी जाने जाते हैं। ड्यूरिंग मुगल रूल बुरहानपुर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। मुगल काल में बुरहानपुर अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा। इट वाज द कैपिटल ऑफ साउथर्न स्टेट। यह दक्षिणी प्रदेशों की राजधानी भी रहा। अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब केव एंड स्टेड हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब यहां पर आकर रहे। मुमताज महल डाइड इन बुरहानपुर। मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। शाहजहां लिव्ड देयर एज गवर्नर ऑफ साउथ। शाहजहां दक्षिण के सूबेदार के रूप में यहाँ निवास करता था। एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ द होल मध्य प्रदेश वाज अंडर द रूल ऑफ द मुगल। मुगल काल में छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त समस्त मध्य प्रदेश के अधिकार में था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इस पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। धन्यवाद।